हम जिसके पास भी जाते हैं वो बोलते हैं जम्मू का राजा है। कौन है जम्मू का राजा? कौन है? एलजी सर, जम्मू का राजा। हाँ, हमने बनाया है उसे राजा, हम सब उसकी प्रजा है, हम जम्मू का यूथ है, हम सड़कों पे, तो राजा क्यों सोया हुआ है आप बताइए? वो 47 में चले गए जो राजे थे, आज यूथ है। हम कब से तब तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश करे, हम बोल रहे एलजी सर से मिलाइए हमें, एलजी सर से मिलाइए। वो जैसे इतना बेइज्जत करके निकालते, इतना बेइज्जत करके। कहा उन्होंने आपको जो आपको ऐसा फील हो गया, इंसल्टेड फील हो रहा? वो बोलते आप भीख मांग रहे हो, वो बोलते आप भीख मांग रहे हो, आप क्या कर रहे हो इधर? आप एक बॉर्डर पे टैलेंट पे टिके हुए, बाकी कुछ नहीं है आपके पास करने के लिए। सर हम क्यों ना टिके, हमने रनिंग क्लियर की है, हमने इतना कुछ करा है, इतना कुछ करके हम यहाँ तक पहुँचे। अब ये बाकी बच्चों को भी हमारे साथ मिला रहे हैं, तो फिर तो हमारा कोई मतलब ही नहीं हो इतने दिन से रोड पे अपना तमाशा बनवाने। बीजेपी के ऑफिस गए, रविंद्र राणा से बात हुई, उन्होंने कुछ नहीं करा, केले संतरे खिलाए, थोड़ा सा आश्वासन दिया और भेज दिए वापस। मैं कह रहा था क्या दिया था केले संतरे के साथ? उन्होंने बोला मैं मिलाता हूँ एलजी से। उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बस बोला नहीं, किसी ने भी नहीं मिलवाया। जिससे मीटिंग हुई ना, सब बोलते किसी ने भी नहीं मिलवाया। ऊपर से इतना बेइज्जत करके भेजते हैं मैम, हम लोगों की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, हम पढ़ाई करके बैठे हुए, हम नहीं बोल रहे आप हमें भीख में नौकरी दो, हम बस इतना बोल रहे हैं आप हमें एक मौका दो, हम मौका मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे। ये बॉर्डर बटालियन की एस्पिरेंट्स जो है एक छोटी सी डिमांड को लेकर जो है वो लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि जो नई भर्तियां निकाली गई हैं उनको हमसे अलग रखा जाए, क्योंकि हम मेहनत करके आए हैं और बाकी बच्चों को आप हमारे साथ डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे साथ जो है वो गलत हो रहा है। और हमारी जो हमने इतनी सारी प्रिपरेशन की है उसके साथ जहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है उनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा, तो देखते हैं। बात करके अदिति है हमारे साथ, आप डीसी ऑफिस के अंदर भी गए थे, तो आप मुझे बताइए कि आपकी डीसी ऑफिस के अंदर क्या बात हुई थी, क्योंकि जब आप डीसी ऑफिस के अंदर गए थे उसके बाद से लेके आज तक आज आप बाहर आई हैं। उन्होंने बोला रोड पे प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, आप जाओ एलजी सर से मिलो, उनसे मीटिंग करो, हम मिलवाते हैं, फिर आप जाओ उनसे बात करो, कोई हल निकलेगा इस बात का, ऐसे निकलता है, ऐसे रोड ब्लॉक करके कुछ नहीं होगा। हाँ, डीसी ऑफिस आप अंदर गए, मिले किससे? क्या नाम था उनका? एडीजीपी सर से मिले। उन्होंने बोला हमें, मैं मीटिंग करवाता हूँ, उन्होंने मेल करा एलजी सर को। हमने बोला सर हमने पहले भी लेटर भेजा है सर को, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, वो बोलते कोई नहीं आ जाएगा। उसके बाद हमने कुछ नहीं करा, हम सब शांत थे। अभी चार को इन्होंने बोला कि फॉर्म दोबारा से लग रहे हैं, मतलब ये सिर्फ हमें जुमलेबाजी कर रहे हैं बस, हमारे साथ हमें मतलब एंगेज रख रहे हैं कहीं ना कहीं पे, हाँ रुक जाओ फॉर्म लग जाएंगे। अभी बता रहे फॉर्म लग भी गए तो कुछ नहीं होगा। एक सवाल पूछ लो, काफी इंटेलिजेंट लगते हैं आप मुझे, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी अभी प्रक्रिया पूरी हुई नहीं थी तो आपके साथ दूसरे बच्चों को क्यों शामिल किया गया होगा? ये चाहते हैं बाहर के बच्चे भी यहाँ आके जॉब करें, वो ये उन्हें भी मौका देना चाहते हैं। हमने बोला सर हम सबको कोई इशू नहीं है, आप उन्हें मौका दीजिए, आप दीजिए उन्हें मौका, लेकिन हमारे साथ जोड़ के नहीं। हम सब तीन साल से वेट कर रहे हैं, कब से सुन रहे हैं बॉर्डर बटालियन, सब कुछ अपना कॉलेज अपना स्कूल सब कुछ छोड़ छाड़ के। हम उन्हें ऐसे पर्सनल प्रॉब्लम बताते हैं, वो बोलते हैं तुम यहाँ पे ऑफिशियल बात करने आओ, ऑफिशियल बात करो, मतलब गवर्नमेंट है कुछ भी कर सकती है। आप वहाँ पे मिले, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला मैं तुम्हारी मीटिंग करवाता हूँ, उन्होंने अपना नंबर दिया, सब कुछ दिया, उन्होंने बोला मैं मीटिंग करवाता हूँ। आज तक उन्होंने उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई कुछ नहीं बोला उन्होंने। हम जिसके पास भी जाते हैं वो बोलते हैं जम्मू का राजा है। कौन है जम्मू का राजा? कौन है? एलजी सर, जम्मू का राजा। हाँ, हमने बनाया है उसे राजा, हम सब उसकी प्रजा है, हम जम्मू का यूथ है, हम सड़कों पे, तो राजा क्यों सोया हुआ है आप बताइए? वो 47 में चले गए जो राजे थे, आज यूथ है। हम कब से तब तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश करे, हम बोल रहे एलजी सर से मिलाइए हमें, एलजी सर से मिलाइए। वो जैसे इतना बेइज्जत करके निकालते, इतना बेइज्जत करके। कहा उन्होंने आपको जो आपको ऐसा फील हो गया, इंसल्टेड फील हो रहा? वो बोलते आप भीख मांग रहे हो, वो बोलते आप भीख मांग रहे हो, आप क्या कर रहे हो इधर? आप एक बॉर्डर पे टैलेंट पे टिके हुए, बाकी कुछ नहीं है आपके पास करने के लिए। सर हम क्यों ना टिके, हमने रनिंग क्लियर की है, हमने इतना कुछ करा है, इतना कुछ करके हम यहाँ तक पहुँचे। अब ये बाकी बच्चों को भी हमारे साथ मिला रहे हैं, तो फिर तो हमारा कोई मतलब ही नहीं हो इतने दिन से रोड पे अपना तमाशा बनवाने का। डीसी ऑफिस से निकले, फिर आप कहाँ गए? फिर हम बीजेपी के ऑफिस गए, रविंद्र राणा से बात हुई, उन्होंने कुछ नहीं करा, केले संतरे खिलाए, थोड़ा सा आश्वासन दिया और भेज दिए वापस। मैं कह रहा था क्या दिया था केले संतरे के साथ? उन्होंने बोला मैं मिलाता हूँ एलजी से। उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बस बोला नहीं, किसी ने भी नहीं मिलवाया। जिससे मीटिंग हुई ना, सब बोलते किसी ने भी नहीं मिलवाया। ऊपर से इतना बेइज्जत करके भेजते हैं मैम, हम लोगों की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, हम पढ़ाई करके बैठे हुए, हम नहीं बोल रहे आप हमें भीख में नौकरी दो, हम बस इतना बोल रहे हैं आप हमें एक मौका दो, हम मौका मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे। ये बस इन्होंने एक मैनिफेस्टो बना के रखा है, जब भी वोट आते हैं, जब भी कुछ आता है, हाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों के कपड़े भी फड़वाओ सड़कों पे। हम इतने महीनों से भूखे प्यासे अपना तमाशा बनवा रहे सड़कों पे, हमारी कोई नहीं सुनता। शॉर्ट नोट पे अब आ जाती हूँ, मेरे को बताइए कि आज आप यहाँ पे इकट्ठी हुई है इसके लिए आपको किसी ने कहा है या आप सब एस्पिरेंट्स अपनी मर्जी से हैं? हम सब एस्पिरेंट्स अपनी मर्जी से, और अब हम हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे, अब जम्मू का राजा उठेगा ही उठेगा, देखते हैं कैसे नहीं उठता। हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा?
रहा, वो हमें समझ नहीं आ रहा है। सीधा दावा कर रही है कि प्रजा में इतनी ताकत आ चुकी है कि राज्य को हिला सकती है। प्रजा है तो राजा है, हमने बनाया है उसे राजा, हम है तो वो है, बोलते हैं गवर्नमेंट है कुछ भी कर सकती है। आप है तो वो है, लेकिन आपको इतनी बार डंडे पड़े फिर क्यों नहीं हुआ? अब वो सुन नहीं रहे ना, ये होती है ना तानाशाही, यही होती है। अब सब बस यही बोल रहे हैं ना, ये कश्मीर को भी, मतलब जम्मू को भी कश्मीर बनाना चाहते हैं, ये वही करना चाहते हैं। एक सवाल पूछूंगी यहाँ पर कि आपके पेरेंट्स जो हैं आपके साथ हैं कि आप रात को भी धरने पर बैठे? बिल्कुल नहीं, वो तो दिन में भी अलाउ नहीं करते, वो बोलते नहीं, वो बोलते क्या कर रहे हो तुम, क्यों रोड पे जाके अपना तमाशा बनवा रहे हो अगर कोई सुनता नहीं। हम बोलते नहीं, हमने मेहनत करी है, 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, हमें विश्वास है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। चलिए, साफ तौर पर आपने देखा कि बॉर्डर बटालियन एस्पिरेंट से अदिति से हमारी बात हुई, अदिति ने जो है ये बता दिया कि आज से वो हंगर स्ट्राइक पर हैं और वो दिन रात यहीं पर, रात को भी आप यहीं पे बैठोगे? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। तो चलिए, रात को भी यहीं पे बैठेंगे और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि राजा प्रजा की वजह से होता है, प्रजा जो है वही बनाती है और वही नीचे उतार सकती है। अब देखते हैं इस प्रजा में कितनी ताकत है और आने वाले समय में ये प्रजा जो है वो क्या रंग दिखाती है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान सा तलाब।